नमस्ते दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपकी ही पसंदीदा चैनल ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगा लाइव मार्केट ट्रेडिंग के ऊपर। आज मैंने लाइव मार्केट में ट्रेडिंग कर लिया और प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। आज मैंने काफी सारे स्टॉक में ट्रेड किया जिसके कारण मैं लाइव मार्केट में वीडियो क्रिएट कर नहीं पाया, मैं वीडियो नहीं बनाया। अगर एक दो स्टॉक में ट्रेड करता तो मैं करता लाइव मार्केट में वीडियो क्रिएट। तो चलिए सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगा, अगर आप लोग मेरे माध्यम से एनुअल बुकिंग जरूरत हमें अकाउंट ओपन करते तो आप लोगों को लाइव मार्केट में वो सारे सुविधा प्राप्त होंगे जो आपको दूसरी जगह से नहीं मिलते। जैसे अगर आप लाइव मार्केट में नुकसान हो रहा है आपका तो उससे कैसे बाहर होना, स्कोर अप लेवल क्या रहेगा, एग्जीक्यूट लेवल क्या रहेगा, बाइंग क्या, सेलिंग क्या, वो सारे सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो वो सारे सुविधा प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जानकारी देना चाहूंगा, आज मैंने 490.50 रुपये प्रॉफिट किया और मैंने काफी सारे स्टॉक में आज ट्रेड किया। देखिए, छोटे छोटे क्वांटिटी में, 20 क्वांटिटी, 30 क्वांटिटी में एस्कॉर्ट्स में प्रॉफिट बुक किया, गोदरेज में प्रॉफिट बुक किया, हेल्थ में 27 रुपये लॉस किया, हिंडलको में प्रॉफिट किया, SBI में प्रॉफिट किया, टाटा केमिकल में प्रॉफिट किया, टाटा कंज्यूमर में प्रॉफिट किया, UPL में प्रॉफिट किया। इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रेड में से मैंने सिर्फ एक ही स्टॉक में नुकसान किया और बाकी सारे स्टॉक में मैंने प्रॉफिट किया। तो जैसे कि यहाँ पर आप UPL देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, UPL में ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन UPL का मैं कहना चाहूंगा अभी 519 रुपये चल रहा है। तो 519 या फिर 520 के आसपास अगर सेल करेंगे ना तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। चलिए सबसे पहले उसको जानकारी देना चाहूंगा किस तरीके से मैंने ट्रेड किया। तो टाटा केमिकल दिखाऊंगा मैं, जैसे कि सॉरी फ्रेंड्स, टाटा केमिकल जो है ना फ्रेंड्स, मैंने देखा कि सुबह से क्या हो रहा था। सुबह से मैंने यहाँ पर देखा कि ये नीचे तो काफी गिरा, गिरने के बाद यहाँ पर काफी टाइम तक रेंज बाउंड में था, इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन तोड़ नहीं पाया, यानी बायर और सेलर दुविधा में था, ठीक है, साइड वे में था। उसके बाद जैसे ही है ना 21 डेज को ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर मैंने बाय किया, लेकिन मेरा टारगेट जो है ना यहाँ पर था, ठीक है, 3 से 4 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन मैंने फटाफट अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर दिया, कम प्रॉफिट बुक करके। चलिए कोई बात नहीं, मैंने प्रॉफिट के साथ क्लोज किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा UPL, UPL में मैंने ट्रेड किया था, ठीक है। UPL मैंने क्या किया, सेल किया फ्रेंड्स। UPL मैंने कहाँ पर सेल किया, UPL मैंने सेल किया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सेल किया, क्योंकि इस लेवल को ना देखिए यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर आया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर आया, तो इस लेवल को ना बार बार ब्रेकडाउन करने की कोशिश कर रहा था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो मैंने इस लेवल पे ही ना उसको सेल किया। और सेल करने का और एक खास रीजन है, वो रीजन यह है फ्रेंड्स, अगर मैं UPL को ना ओपन करूँ तो UPL का देखिए आज का 509.40 रुपये में क्लोज हुआ पिछले दिन, और आज ओपन हुआ 511.95 रुपये, यानी देखिए कितने में ओपन है, 2 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, तो 2-3 पॉइंट ऊपर ओपन होकर 527 रुपये यानी लगभग 528 का हाई बनाया। तो मैंने 523 के आसपास मैंने इसको सेल किया था और मैंने वहां पर 2-3 पॉइंट प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो ये था मेरा UPL का स्ट्रेटेजी, ठीक है। प्राइस एक्शन इंक्लूड किया और यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला, साइड वे रेंज को निकाला। टाटा केमिकल का मैंने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रेंज बाउंड को निकाला और इस लेवल के ऊपर जैसे ब्रेकआउट किया मैंने यहाँ पर बाय किया। तो ये हो गया दो फ्रेंड्स। उसके बाद गोदरेज प्रॉपर्टीज मैंने बाय किया फ्रेंड्स, मैंने बाय किया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने बाय किया, इस लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा था। और ये जो लेवल है ना, ये पिछला लेवल है, देखिए ये लेवल देखिए आप पिछले दिन का, प्रीवियस डेज का, और आज के दिन भी सेम लेवल को टेस्ट किया, ब्रेकआउट किया लेकिन सस्टेन नीचे किया, फिर इसी लेवल के पास आया, फिर मैंने यहाँ पर बाय किया। प्राइस एक्शन को देखा, ट्रेंड लाइन को देखा, मूविंग एवरेज के ऊपर था, सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने अप ट्रेंड में था, मैंने बाय किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम लगा के, ये कैंडल 5 मिनट का टाइम, जैसे मैंने बाय किया 3 पॉइंट का टारगेट लगाया, ये 592 में चला गया, तो यानी 5-6 पॉइंट ऊपर चला गया, लेकिन मेरा 3 पॉइंट प्रॉफिट स्क्वायर ऑफ हो गया, 3 पॉइंट प्रॉफिट बुक किया। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज, SBI Life देखिए, SBI Life मैंने सेल किया, SBI Life मैंने सेल किया, देखिए कहाँ पर मैंने सेल किया, यहाँ पर इसी के आसपास मैंने सेल किया। मैंने देखा यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो रेजिस्टेंस के नीचे बार बार इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, कर नहीं पा रहा था। देखिए गिरावट आया, फिर ऊपर आया, अच्छा खासा रेंज बाउंड था, लेकिन रेंज बाउंड जो था पिछला रेंज को मैंने टेस्ट किया, इसको ब्रेकआउट कर नहीं पाया, एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका था। जैसे ही इस लेवल को ब्रेकडाउन किया, यानी मूविंग एवरेज को ब्रेकडाउन किया, मैंने यहाँ पर सेल किया और मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। और प्रॉफिट बुक किया मैंने इसके आसपास, क्योंकि यहाँ पर और एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। और हेवेल्स जो है ना, हेवेल्स में मैंने नुकसान किया 27 रुपये का। हेवेल्स में मैंने क्या किया फ्रेंड्स, पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखे, नीचे मैंने बाय किया, नीचे सेल किया था, तो नीचे सेल करने के बाद फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर मैंने एवरेज किया, फिर दोबारा मैंने सेल किया 20 क्वांटिटी और 20 क्वांटिटी 40 क्वांटिटी और एवरेज करके मैंने क्या किया, यहाँ पर अपना पोजिशन काट किया, यहाँ पर
ये जो सपोर्ट लेवल है ना फ्रेंड्स, सपोर्ट लेवल को जैसे तोड़ा, तोड़ने के बाद मैं थोड़ा सा वेट किया, देख रहा था कि नीचे गिरेगा कि नहीं, फिर मतलब मैं उतना धैर्य नहीं था मुझ में कब क्लोज करूँ, कि बार बार इसको इसके पास आ रहा था, देखिए यहाँ पर आया फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पर आया फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया फिर ऊपर गया, सेम लेवल को बार बार रीटेस्ट कर रहा था, ऊपर के लेवल को भी रीटेस्ट कर रहा था। एक तो पीवोट लेवल जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था इसको टेस्ट कर रहा था, और यहाँ पर देखिए सपोर्ट इसको टेस्ट कर रहा था। तो मैंने यहाँ पर बाय किया था, ये सोच के सेल किया था कि अगर गिरेगा तो अच्छा खासा गिरेगा, लेकिन ये ऊपर चला गया। फिर मैंने यहाँ पर एवरेज किया, क्योंकि एवरेज करके मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि इस लेवल को तो ब्रेकआउट करना आज पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने एवरेज किया, फिर नीचे गिरा, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वेट किया, फिर देखा भाई ऊपर जा रहा था, यार चलो यार ये तो ऊपर जा रहा था क्या करो, बहुत इंतजार किया यार, नुकसान हो रहा है ज़्यादा। तो मैंने क्या किया, ये सोच के चलो 2700 रुपये लॉस में क्लोज कर देते, फिर मैंने क्लोज करिए। अब क्लोज करने के बाद देखो ये नीचे गिरा, इसीलिए मार्केट में कहते हैं सभी यार बाय करने के बाद नीचे गिर देता है और सेल करने के बाद ऊपर चले जाते हैं। लेकिन बात यहाँ पर ये है, जब ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो एवरेज करके बाहर हो जाओ कम नुकसान में, उसके बाद चाहे कुछ भी हो, उसके बाद चाहे ज़्यादा प्रॉफिट हो उस पर ध्यान मत दो, बस आपका जो है ना आप प्रॉफिट मतलब कम लॉस में निकल गए और ओवरऑल एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में हो, ये सोच के ट्रेड करो। तो ये सारे स्टॉक में आज मैंने ट्रेड किया और एंड ऑफ द डे मेरा 490 रुपये या फिर करीबन 700 रुपये का प्रॉफिट में था, लेकिन क्लोज करते करते ना सारे नीचे आ गया। आज मैंने ये सोचा था कि आज काफ़ी सारे स्टॉक में ट्रेड करूंगा, देखता हूँ क्या होता है, कि डेली डेली जो मैं ये स्ट्रेटजी लाइव स्ट्रेटजी में दिखाता हूँ आप लोगों को, प्राइस एक्शन और वो हिस्टोरिकल डाटा और ट्रेंड इंडिकेटर और इंडिकेटर के साथ, ठीक है, ट्रेंड इंडिकेटर प्राइस एक्शन और हिस्टोरिकल डाटा ये सारे इंक्लूड करके जो मैं स्ट्रेटजी आजकल वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, देखता हूँ आज काफ़ी सारे स्टॉक में ट्रेड करके क्या होता है। तो मैंने देखा था अच्छा रिजल्ट मिला मुझे, यहाँ पर 7 स्टॉक में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रेड में से सिर्फ एक स्टॉक ट्रेड में नुकसान हुआ। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का ट्रेड लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट का डेली में दिखाता हूँ, आज टाइम नहीं मिला काफ़ी सारे स्टॉक में ट्रेड किया। तो फिर से जानकारी देना चाहूँगा, अगर आप लोग मेरे माध्यम से आज का ट्रेड में एंजल बुकिंग या ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोगों को लाइव मार्केट में मेरी तरफ से सारे सुविधाएं मिलेंगे, जैसे कि आप पूछ सकते हैं कौन से स्टॉक में ट्रेड करेंगे तो उसका लेवल बता सकता हूं मैं, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, तो वो सुविधा प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना से, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।